हेलो मेरे देसीज, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त राजेश सिंह, एंड वेलकम टू देसी मैन देसी स्टाइल। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फेस शेप्स के बारे में। आपका कौन सा फेस शेप है और आप उस हिसाब से अपने हेयर स्टाइल को रख सकते हो, अपनी बीयर्ड को भी स्टाइल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है, सब्सक्राइब बटन को ठोकना है, और उससे पहले मेरे भाइयों घंटे के बटन को दबा देना है, लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले मैं अपना हेयर स्टाइल तो ठीक कर लूँ। दूसरी चीज़ है, वो आपको जाननी चाहिए कि आपके फेस शेप कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं। वो होते हैं, सबसे पहला होता है ओवल शेप, दूसरा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, डायमंड, हार्ट और राउंड। इस हिसाब से लगभग ये टोटल 7 टाइप्स के फेस शेप्स होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे फेस के बारे में। हमारे फेस में क्या होता है, हमारे फेस में 3 चीज़ें हैं जो हमें डिटरमाइन करनी है, देखनी है। सबसे पहली चीज़ है हमारा फोरहेड। फोरहेड क्या होता है, फोरहेड होता है हमारा ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं फोरहेड। फिर दूसरी चीज़ है जिसे हम कहते हैं चीक बोन्स। चीक बोन्स क्या होती है, जो आंखों के नीचे जो ये हड्डियाँ होती है इसे हम कहते हैं चीक बोन्स। तीसरी चीज़ है जिसे हम कहते हैं जॉ लाइन। जॉ लाइन होती है जो आपके कान के नीचे से जो ये जस्ट हड्डी है ना, इसको हम कहते हैं जॉ लाइन। ये 3 चीज़ें आपको डिटरमाइन करनी है। और चौथी चीज़ है जिसे हम कहते हैं फेस लेंथ। फेस लेंथ होती है आपके यहाँ के पार्ट से लेकर जो आपके ये पॉइंट है, इस पार्ट को हम कहते हैं फेस लेंथ। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आपको डिटरमाइन करना है, नापना है। तो कैसे नापना है, तो फेस को डिटरमाइन करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है एक स्केल, दूसरी चीज़ है एक धागा, और तीसरी चीज़ है एक नोटबुक और पेन। ये 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इनको ले लो, फिर हम फेस को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, हमें अपनी फेस लेंथ को नापना है। फेस लेंथ को नापने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेट धागा लेना है और इसको हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक करेक्ट मेजरमेंट के साथ नाप लेना है। और इसको हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल से नाप लिया। अब आपको क्या करना है, नोटबुक में फेस लेंथ आपको लिख लेनी है। नेक्स्ट है चीक बोन्स। चीक बोन्स का क्या करना है, सेम जस्ट आंखों के नीचे के हिस्से को हमें नापना है, मैंने नाप लिया, और स्केल से सेम वैसे ही मीज़र करके हमें इसकी जो भी लेंथ है लिख लेनी है। फिर तीसरी चीज़ है वो है हमारी जॉ लाइन। तो जॉ लाइन का क्या करना है, सेम उसी तरीके से हमें अपनी जॉ लाइन को नापना है। ये इतना कैलकुलेशन है, सेम स्केल से लिया, कैलकुलेट करके जो भी आ रहा है वो आपको लिख लेना है। तो दोस्तों, अब है चौथी चीज़। चौथी चीज़ क्या है, आपका फोरहेड। फोरहेड को नापने के लिए पहले तो ये अपने बाल है इनको ऊपर कर लो, और जो आपके हेड का वाइडेस्ट सबसे चौड़ा पार्ट है उसको हमें नापना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको क्या करना है, धागे को लेना है और इसको यहाँ पर पॉइंट करके पूरा यहाँ तक इसकी जो भी साइज़ आ रही है वो हमें लिख लेनी है, जैसे कि 19 सेंटीमीटर है तो ये लिख लिया। अब इन चारों चीज़ों को आपने नोट डाउन कर लिया है, अब आपके पास आपके फेस के मेज़रमेंट आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डिटरमाइन करना है कि हमारा फेस शेप कौन सा है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उस नोटबुक को अपने पास रखो। तो दोस्तों, सबसे पहला है ओवल शेप फेस। ओवल शेप फेस कौन सा होता है, ओवल शेप फेस के अंदर आपका क्या होता है, फेस लेंथ इज ग्रेटर देन चीक बोन्स। जो आपके फेस की लेंथ है वो आपके चीक बोन्स की साइज से बड़ी होगी। दूसरी चीज, फोरहेड इज बिगर देन जॉ लाइन, यानी कि जो आपका ये फोरहेड है ये आपकी जॉ लाइन से बड़ा होगा। और तीसरी चीज, जो आपकी जॉ लाइन है वो राउंडेड होगी। ये 3 चीज़ें अगर आपके मेजरमेंट में आती है तो इसका मतलब आपका फेस है ओवल शेप का। दूसरा फेस टाइप जिसे हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर क्या मेजरमेंट होती है, स्क्वायर के अंदर जो आपका फोरहेड है, जो आपके चीक बोन्स है और जो आपकी जॉ लाइन है, इन सभी की साइजेस लगभग इक्वल होती है, और जो आपकी फेस लेंथ है ये भी इक्वल होती है। मतलब कि आपके चारों हिस्सों की साइज लगभग सेम होती है, उसे हम कहते हैं स्क्वायर फेस शेप। तीसरी चीज़ है ओब्लोंग कह लो या रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फेस शेप कौन सा होता है, जिसके अंदर आपका फोरहेड, आपके चीक बोन्स और आपकी जॉ लाइन तीनों की साइज़ एक जैसी होती है, इक्वल होती है, और जो आपके फेस की लेंथ की साइज़ है वो होती है सबसे बड़ी। उस फेस शेप को हम कहेंगे रेक्टेंगल या ओब्लोंग फेस शेप। तीसरा फेस शेप है जिसे हम कह सकते हैं ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर फेस शेप में क्या होता है, इसके अंदर आपकी जो जॉ लाइन है ये सबसे बड़ी होगी। दूसरा पॉइंट, जॉ लाइन है ये आपके चीक बोन्स से बड़ी होगी, और जो आपके चीक बोन्स है जो ये है ये आपके फोरहेड से बड़े होंगे। अगर ये मेजरमेंट आपके फेस शेप का आ रहा है तो इसका मतलब आपका फेस शेप है ट्रायंगुलर शेप का। फिर नेक्स्ट फेस शेप टाइप जिसे हम कहते हैं राउंड।
राउंड फेस शेप में क्या कंडीशंस होती है, जो आपकी फेस की लेंथ और जो आपके चीक बोन्स हैं इन दोनों की लगभग सेम साइज होती है, और ये आपके फोरहेड और आपकी जॉ लाइन दोनों से बड़े होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ये बताती है कि आपका फेस है राउंड। और फिर आता है ये सबसे रेयर फेस शेप होता है, जिसे हम कहते हैं डायमंड। डायमंड फेस शेप क्या होता है, सबसे बड़ी होती है आपके फेस की लेंथ, ये एक नंबर पे आती है। सेकंड नंबर पे होते हैं चीक बोन्स, थर्ड नंबर पे होता है आपका फोरहेड, और चौथे नंबर पर होती है आपकी जॉ लाइन। अगर ये चारों एक दूसरे से इस टाइप में है, इस मेजरमेंट में है, तो इसका मतलब आपका फेस है, कहते हैं डायमंड शेप। और एक बात और कहनी थी, कई बार क्या होता है, हमारे चेहरा मोटा होता है, फैट होता है, और अगर हमारे चेहरे पर ज़्यादा मात्रा में फैट हो तो उस सिचुएशन में हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा फेस टाइप कौन सा है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पहले वज़न घटाना पड़ेगा, देन यू कैन नो योर ओरिजिनल फेस शेप। तो दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हार्ट फेस शेप। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, फोरहेड इज बिगर देन चीक बोन्स, जो आपके फोरहेड है ये आपकी चीक बोन से बड़ा होगा, और जो आपकी ये चिन है ये पॉइंटेड होगी, मतलब ये जैसे कि मेरी ऐसे है राउंड शेप में, ऐसा नहीं होगा, ये एक पॉइंट पे होगी, उस शेप को हम कहेंगे हार्ट फेस। तो दोस्तों, एक दूसरा तरीका और बताना चाहूँगा, ये सिंपलेस्ट है लेकिन इस तरीके में थोड़ा सा एग्जैक्ट हमें पता नहीं चलता। तो इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, अपना फ़ोन लेना है, इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा ऑन करना है और खींचनी है एक सीधे सेल्फी। सेल्फी खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, आपके पास अगर फोटो एडिटर ऐप है तो उसमें जाओ, या डायरेक्ट व्हाट्सएप तो होगा ही, व्हाट्सएप में जाओ। आपको लेना है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में ओपन करके ये जो पेंसिल वाला है इसको मार्क करना है, और जो आपके फेस की शेप है उस हिसाब से एक चीज़ ड्रॉ करनी है। इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके फेस की शेप कौन सी है, ओवल है, स्क्वायर है, या ट्रायंगल है, डायमंड है, जो भी फेस शेप है आप इससे पता लगा सकते हो। ये एक शॉर्ट ट्रिक है लेकिन एग्जैक्ट इससे पता नहीं चलता, एग्जैक्ट आपको मेजरमेंट लेनी ही पड़ेगी। और मेरे देसियों, अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना, ऐसे ही हम और भी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। सो गाइज, दिस इज़ आर जे, एंड थैंक यू, गुड बाय एंड